हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जी के में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं माय डियर। और कल हमारी जो क्लास नहीं हुई थी उसके लिए सॉरी। एक्चुअली हुआ यूं था कि परसों मैं 7 बजे के आसपास रूम में था और खजाना वाली क्लास का इवेंट बना रहा था कि खजाना वाली क्लास लेना है, और इतने घर से फोन आया कि फादर का एक्सीडेंट हो गया है ना। तो बस तुरंत यहाँ से मैं निकल गया था घर, और ईश्वर की कृपा से हालांकि चोट तो आई है लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक्सीडेंट बताया उस हिसाब से बहुत कम चोट आई है। थैंक गॉड सब कुछ अच्छा है और अभी वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, सब कुछ सही है। लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है, चोट तो चोट ही होती है। और स्पेशली 60 साल के अगर ऊपर आपकी उम्र हो जाए तब अगर आपको चोट आती है तो बहुत डेंजरस होता है। काफ़ी चोट आई उनकी यहाँ पर हाथ में, पैर के घुटने में, पैर में। तो लेकिन अब ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक है। इसी कारण से मैं कल कोई भी क्लास नहीं ले पाया, कल मैं पूरे दिन घर में ही था। कल रात को आया हूँ मैं 10 बजे के आसपास घर से आया हूँ, और देर उसके बाद वही चला था दीवार में, उठा और तुरंत ही क्लास ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जी के खजाने वाली, जी के एक्सप्रेस वाली क्लास है। हम यहाँ पर 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले लीजिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस नगर में स्थित हैं? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, है ना, अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? आंसर इज औरंगाबाद। कहां पर है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट रिलेटेड टू चोल? बृहदेश्वर टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल एंड एरावतेश्वर टेम्पल। इसमें से कौन सा टेम्पल है जो चोल राजाओं से रिलेटेड नहीं है? आंसर इज कैलाशनाथ टेम्पल। जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो चोलों से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन चेन्नई, सेकेंड मदुरई, थर्ड तंजावुर एंड डी महाबलीपुरम। वेयर इज मीनाक्षी मंदिर लोकेटेड? आंसर इज वेरी सिंपल, मदुरई। मदुरई इज राइट आंसर फॉर दिस, मदुरई में है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद काव्य? यहाँ पर सॉन्ग होना चाहिए, सॉन्ग गलत लिखा है, ठीक है, गीत गोविंद किताब है। तो हु इज द राइटर या ऑथर ऑफ गीत गोविंद? आंसर ऑप्शन जयदेव, सूरदास, केशव एंड धोई। आंसर इज वेरी सिंपल, राइटर ऑफ गीत गोविंद इज जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी फतेहपुर एंड ऑप्शन डी हिसार। तो इनमें से कौन सा सिटी है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई है? आंसर इज फतेहपुर। जो फतेहपुर है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ब क्या है? व्हाट इज द सर्ब? ये एक इनकम टैक्स है, आयकर है, ये एक सेल्स टैक्स है, बिक्री कर है, ये एक इंपोर्ट टैक्स है, आयात कर है, और ये एक इरिगेशन टैक्स है, कृषि कर है, सिंचाई कर है। क्या है भाई सब सर्ब? आंसर इज आयकर। सर्ब क्या है? सर्ब एक टैक्स है जिसे इनकम टैक्स या आयकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेन्स? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड फिरोज शाह तुगलक। तो जो अमीर खुसरो हैं वो किसके शासनकाल से रिलेटेड थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ओके, अमीर खुसरो वाज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजीज रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? विच पर्सियन हिस्टोरियन अकम्पनीड अलाउद्दीन खिलजी इन हिज चित्तौड़ एक्सपेडिशन? कौन से फारसी इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चित्तौड़ अभियान में गया था? ऑप्शन अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मिनाज उल सिराज, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी एंड ऑप्शन डी शम्स ए सिराज अफेक। आंसर वेरी सिंपल, अमीर खुसरो इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था कौन था? हु वॉज द टर्किश कमांडर हु डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी? कौन सा तर्किश सेनापति था जिसने नालंदा और विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को खत्म किया था, जलाया था, नष्ट किया था? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, थर्ड बलवन एंड डी
इल्तुतमिश. आंसर इज वेरी सिंपल. बख्तियार खिलजी इज राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर है, द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय, ऑप्शन फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी. तो जो आगरा नगर की स्थापना है किसने की थी? आंसर इज सिकंदर लोदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दौलत खान लोदी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. आंसर इज वेरी सिंपल, लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? इब्राहिम लोदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? Who among the following formed तुर्कान ए चहलगानी? इनमें से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. आंसर इज वेरी सिंपल, इल्तुतमिश इज राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या की है ना, मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड बाय हाजरा, खोखर, योतवाल और बलूची. मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोखर ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? हुज टॉम्ब इज सुल्तानगढ़ी? जो सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रकुनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी कैकुवाद. जो सुल्तानगढ़ी है माय डियर, ये नसीरुद्दीन फिरोज का मकबरा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया? जो दिल्ली सल्तनत है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड द शॉर्टेस्ट टाइम? दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थे, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी. तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम टाइम तक इन्होंने शासन किया था? आंसर इज खिलजी. किसने? खिलजियों ने किया था. कब से कब तक किया था माय डियर? कब से कब तक किया था इन्होंने? 1290 से, जल्दी 1320, डन, 1290 से 1320. क्या मैंने ये बात सही लिखी है? अगर मैंने ये बात सही लिखी है तो हाँ कर दीजिए, और अगर मैंने गलत लिखा है तो ये बताओ कि मैंने क्यों गलत लिखा है, इसका सही आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? इंग्लिश ट्रांसलेशन में गलती है. अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, जो मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये है क्या? क्या है? ऑप्शन मस्जिद है, बी मंदिर है, सी संत की झोपड़ी है और डी मीनार है. अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या जी? ये एक मस्जिद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड या हु इज एज नोन एज पैरट ऑफ इंडियन? हु इज एज नोन एज पैरट ऑफ इंडियन? भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी बारबाक शाह और ऑप्शन डी नानक. तो हु इज एज नोन एज भारत का तोता या तूतीय हिंद या पैरट ऑफ इंडिया? आंसर इज वेरी सिंपल, आमिर खुसरो इज राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति आमिर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल प्रैक्टिसेस वाज नॉट इनिशिएटेड बाय आमिर खुसरो? इनमें से कौन सा म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिक क्लास है जो आमिर खुसरो ने स्टार्ट नहीं किया? ऑप्शन ध्रुपद, ऑप्शन बी ख्याल गायकी, ऑप्शन सी कॉल एंड ऑप्शन डी कराना. आंसर इज वेरी सिंपल, जो ख्याल टाइप का म्यूजिक है या ख्याल है, ये अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था. नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? विच लैंग्वेज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सल्तनत पीरियड? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी उर्दू. विच लैंग्वेज वॉज गिवेन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सल्तनत टाइम पीरियड? ओके, आंसर इज फारसी. फारसी वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज इन सल्तनत टाइम पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा है?
Who said that he saw eight sultan exceeding the throne? Sentence English translation सही नहीं है इसका. Who said that he saw eight sultans reign? ये सही आंसर होगा सर, ये सही स्टेटमेंट होगा, है ना. किसने कहा था, उसने आठ सुल्तानों को चढ़ते हुए देखा है. चढ़ने का मतलब ये नहीं कि किसी ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ने का मतलब है कि ये राजा बन रहे थे. Who said that? अमीर खुसरो ने कहा था, जिसने आठ सुल्तानों का टाइम देखा है. टाइम चले आज के इतना ही, और कल कोई भी क्लास नहीं होती. कई काफी बच्चे मैसेज करते सर क्लास हुई नहीं हुई, क्या हुआ, क्योंकि अचानक ऐसी क्लास बंद नहीं होती, कोई कोई क्लास होती है सर, है ना. और मैंने आपको बोला एक्चुअली क्या है, मैं ना मेरे साथ एक चीज है, ये पता नहीं क्या है कि मुझे ना मेरे साथ जब भी कुछ अजीब होने वाला होता है, कुछ गलत होने वाला होता है, तो मुझे ना कुछ दिन पहले से फील होना स्टार्ट हो जाता है. याद कीजिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि मुझे बहुत गंदा लग रहा था, अजीब लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था. और मैंने बताया था कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और परसों ये हो गया फादर का एक्सीडेंट. मैंने आप लोगों से उस दिन ये भी कहा था रात को क्लास में कि मुझे ऐसा एक साल पहले फेल हुआ था ऐसा ही. और जब पहले एक साल पहले फेल हुआ था तो मेरे सेकेंड नंबर के जो जीजा जी हैं उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, है ना. तो होती ही चीज़ें, तो होता है, जिंदगी होती है, सबकी ज़िंदगी में होता है, ठीक है. तो कल के लिए सॉरी कल मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है. बाकी अपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तरीके से पढ़ाई कीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.